ये कुछ हैं वेलकम बैक टू माई चैनल दीक्षा टेल्स माई नेम इज दीक्षा कैसे हैं आप सब लोग मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ पे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज है डे थर्सडे और टाइम हो रहा है अराउंड ढाई से तीन बजने और मैं अब भी जस्ट नहा के निकली हूँ मुझे बहुत शर्म आ रही है बताते हुए बहुत लेट हो गई आज मैं नहाने में जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा अभी ऑफिस नहीं है मेरा इंटर्नशिप ख़त्म हुआ तो मैं जितना हो सके उतनी नींद लेती हूँ मज़े से सोती हूँ तो इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ हु नहाने में या जो भी घर के काम में मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ बट इट्स ओके मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी मैं कहीं जाने वाली हूँ बाहर मतलब किसी से मिलने मीटिंग्स में तो तो मैं ऑब्वियसली बातें रेडी होके जाएंगे तो मैं सोची थी कि क्यों ना आज मैं गेट रेडी विद मी का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ काफ़ी दिन हो गए मैं व्लागिंग ही कर रही हूँ कुछ ऐसी वीडियो नहीं डाली सीटिंग वीडियो जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आती है मेरी मेकअप वीडियोस तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ वो शेर लाइट में कैसे मेकअप करती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं करती लेकिन जितना भी मैं कुछ करूँगी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी सो स्टे स्टेट्यून विद मी अभी मुझे ड्रेस सेलेक्ट करनी है कि मैं कौन सी ड्रेस पहन के जाऊँ तो चलो मेरे साथ ड्रेस सेलेक्ट करती है ये कुछ ड्रेसेस हैं प्लीज़ 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 प्लीज, प्लीज, इग्नोर द मैस अभी मेरा कबड़ इतना अच्छे से नहीं हो रखा है ऐसे मैंने बस हैंग किए हुए कपड़े जो भी कुछ है और जो भी ऐसे हैं ठीक है तो मैं इनमें से आई थिंक मैं ये वाली ड्रेस पहन के जाऊँगी ये ये जो ड्रेस है मैंने मिंत्रा से मंगवाई है ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है और सबसे बहुत अलग ड्रेस है मतलब मुझे मैंने ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी है जैसे फर्स्ट टाइम कि मैं ड्रेस पहनूंगी तो ठीक है मैं ये ड्रेस ट्राई करती हूँ देखिए इसका मैंने अभी तक टैग भी नहीं हटाया है सो आई विल वेयर दिस ड्रेस और प्लीज़ बताना कि ये ड्रेस कैसी लग रही है ओके सो हे आई एम वाओ लुक एट माई ड्रेस कितनी पिटी लग रही है आई I मीन mean, मतलब ऐसे एक्सट्रीम पफ वाली ड्रेस मैंने फ़र्स्ट टाइम पहनी है सो मुझे नहीं पता कि मैं कैसी लग रही हूँ बट ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रही है सो ओके ओकेट स्टार्ट द मेकअप सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपना मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपने लिप्स को प्लम करती हूँ यू कैन सी दैट मैं मेकअप स्टार्ट करने से पहले लिप बाम अपने लिप्स पे लगा लेती हूँ ताकि वो लिपस्टिक के लिए वो प्रैप हो जाए उन प्रिपेयर हो जाए ओके okay, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी गार्नियर की क्रीम यू कैन सी विच इज़ वाइटामिन सी सीरम दिस इज़ टोटली इस्केपेबल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं करिए अदरवाइज़ आप इसकी जगह पे कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं ये मुझे सूट होता है तो इसलिए मैं हमेशा मेकअप से पहले गार्नियर की क्रीम यूज़ करती हूँ ओके बट अगर आप ये क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाइटनिंग क्रीम है इसको अपने फिंगर टिप से लगाने के बाद आपको तुरंत इसको रब करना होगा अदरवाइज इसके पैचेस आपके फेस पे हो जाएंगे जिससे आपका जो मेकअप आप है वो स्मूथ नहीं लगेगा पैचेस आपके फेस पे नजर आएंगे विच इज नॉट गुड विच डजन लुक गुड सो so, ये ध्यान रखिए अगर आप इस क्रीम का यूज़ करेंगे मैं काफ़ी टाइम से इस क्रीम का यूज़ करती हूँ तो मुझे आदत है कि इसको कहाँ कैसे लगाना है कितनी क्वांटिटी में लगाना है ओके okay, इसको अच्छे से रब करने के बाद आप देखिए कहीं पे भी मेरे फेस पे कोई पैच नज़र नहीं आ रहा इट मीन्स ये अच्छे से मेरे स्किन पर अब्ज़ॉर्ब हो गई है इसके बाद मैं यूज़ करूँगी प्राइमर विच इज़ फ्राम नाइका अप दिस इज़ वेरी स्मूथ वेरी स्मूथ प्रैमर आई हाईली रिकमेंड दिस प्रैमर बिकॉज इसको लगाने के बाद आपका जो बेस इतना स्मूथ बनता है ट्रस्ट में मतलब मैंने बहुत सारे प्रैमर यूज़ किए हैं बट दिस इज़ माई फेवरेट फेवरेट प्रैमर नाव uh, डेज और इसको लगाने के बाद आपका फेस बहुत ऐसा लगता है कि आपकी स्किन ब्रीथ कर रही है और ये लगाने के बाद फिर इसके बाद मैं यूज़ करूँगी कंसीलर ये कंसीलर मेरे पास काफ़ी टाइम से हर वीडियो में मैं यही कंसीलर यूज़ करती हूँ विच इज़ डार्लिंग इजावेरा जो कि अभी ख़त्म ही हो गया है एंड ये ला, लास्ट स्टॉक में लगा रही हूँ ओके बट ये बहुत काफ़ी अच्छा था काफ़ी टाइम तक चला आई थिंक लास्ट टू टू थ्री इयर्स से मेरे पास है तो मैं कंसीलर बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे आइज़ के नीचे इतने डार्क सर्कल्स वगैरह या पिगमेंटेशन इतनी नहीं होती तो मैं इतना यूज़ नहीं करती आ, लेकिन आज मैंने किया क्योंकि डे में अगर आप मेकअप करते हो तो हमें मेक श्योर करना होता है कि जो भी हमारे फेस के पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स है वो छुप जाए तो इसके इसको मैं लगाने के बाद मैं इसको जब मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है उससे अच्छे से मैं वहीं पर ही इसको अब्जॉर्ब कराऊंगी अपनी स्किन पे इट मीन्स जब कंसीलर हम तब भी जब भी यूज़ करते हैं तो उसको हम जहाँ पे लगा रहे हैं उसको हमें वहीं पे ही उसको यू you नो know, ऐसे टैप टैप करना है उसको पूरे स्किन पे नहीं फैलाना है पूरे फेस पे नहीं फैलाना है इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट मेबिलन का फाउंडेशन जो मैं अपनी हर वीडियो में यूज़ करती हूँ और हमेशा रेकमेंड करती हूँ बिकॉज ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है इसको भी मैं अपने फिंगर टिप से लगाती हूँ आप चाहे तो इसको ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं और जैसे मर्जी आप लगा सकते हैं विच इज़ टोटली अप टू यू और इसको मैं मैं ज़्यादा मैंने फाउंडेशन नहीं लिया है इतना ही लिया है जिससे मेरा पूरा फेस और नेक कवर हो जाए मतलब ओवर फाउंडेशन मैंने यूज़ नहीं किया है बिकॉज़ अगर आप जब भी डे के लिए कोई भी मेकअप करते हैं तो उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि आपका मेकअप एकदम नेचुरल लगना चाहिए एक्स्ट्रा लेयर नहीं लगनी चाहिए आपके फेस के ऊपर तो उसका मैंने पूरा ध्यान रखा है और फाउंडेशन लगाने के बाद आपको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ या फिर जो फाउंडेशन ब्रश आता है उससे उससे अच्छे, उसे अच्छे से ब्लेंड करना है बिकॉज ब्लेंड करना ही बहुत ज़रूरी है मेकअप में उसके अलावा आप कुछ भी करें अगर आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंडेड नहीं है दैट मीन्स आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा आप उसके बाद कुछ भी कर लें कितनी भी लेयर किसी भी चीज़ की लगा लें कुछ भी अच्छा नहीं होगा सो दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ़ योर मेकअप तो बेस अच्छा हमेशा होना ज़रूरी है ये देखिए अभी भी मैं खुश नहीं हूँ अपने बेस के ब्लेंड ब्लेंडिंग से तो मैं इसको और ब्लेंड करूँगी यू कैन सी मेरा जो फाउंडेशन को ब्लेंड करने में मोस्ट ऑफ द टाइम जाता है विच इज़ एब्सोल्यूटली फाइन बिकॉज़ एक बार ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपका फाउंडेशन आपका बेस ना तो कभी ग्रे होगा ना ही कभी डल होगा इसके बाद मैं लूज़ पाउडर यूज़ करूँ करूँगी विच इज़ फ्रॉम मेबल इन मी ये लूज़ पाउडर क्यों यूज़ करती हूँ जब भी आप अपना फ़ेस फाउंडेशन पूरा अच्छे से ब्लेंड कर देते तो उसके बाद आप लूज़ पाउडर या बनाना पाउडर अपने पूरे फ़ेस को कवर करने के लिए लगा सकते हैं चाहे तो आप एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपने आईलिट पर अपने फेस पे इवन अपने नेक पे उसके बाद थोड़ा ये एब्जॉर्ब होने के बाद जब मेरा आई मेकअप या फिर आईब्रोज़ वग़ैरह डन हो जाएंगी उसके बाद मैं इसको इसी ब्रश से रिमूव कर दूँगी अभी आप देखेंगे आगे वीडियो में मैं इसको रिमूव भी करूँगी तो अभी मैं ये ये है मेरा मेबलिन के तरफ से ही आई शेडो पैलेट मैंने सारे आई मीन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स वो मैंने मेबलिन के ही यूज़ किए हैं बिकॉज़ मेरा ये फेवरेट ब्रांड है जो रीज़नेबल भी हैं लेकिन इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं तो ऐसा नहीं है कि सस्ते हैं चीप है ज़्यादा चीप भी नहीं है तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है तो बहुत ही अफोर्डेबल यहाँ पे मैं अपना आईब्रो फिल करने के लिए मैं अपना आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है और एक ट्रिक या हैक भी बोल सकते हो कि आप अपने आई शेडो पैलेट के जिसमें न्यूड कलर्स आते हैं जिसमें ब्लैक ब्राउन कलर आते हैं उससे उसका जो पाउडर होता है आई शेडो का पाउडर उससे भी आप अपना आईब्रो फिल कर सकते हो विच इज़ टोटली फाइन और ये लॉन्ग लास्टिंग भी जब तक अपना फेस आप वॉश नहीं करते या फिर आप मेकअप रिमूवर से उसको रिमूव नहीं रिमूव नहीं करते तो वो एज इट इज़ ही रहता है सो इट्स अ हैक आपको अलग से आईब्रो पैलेट लेने की या फिर आईब्रो पेंसिल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं अब लेकिन इसको आईब्रो को फिल करने में भी या फिर शेप बनाने में भी मुझे उतना ही टाइम लगता है बिकॉज जब तक मेरी आईब्रो का शेप जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं होता मैं उसमें लगी ही रहती हूँ बिकॉज़ एक आईब्रोज ही होते हैं जो आपके फेस पे हाईलाइट होते हैं मोस्ट हाईलाइटेड चीज़ जो आपके फेस पे होती है वो आईब्रोज होती है मोस्टली गर्ल्स को मैंने देखा वो क्या करती है पूरा मेकअप कर लेती है लेकिन अपने आईब्रोज को फिल नहीं करती या फिर शेप नहीं बनाती तो उनका जो मेकअप होता है बहुत डर लगता है मैं भी पहले ऐसे ही करती थी मैं लिपस्टिक लगा देती काजल लगा दी थी फाउंडेशन भी लगा लेती थी लेकिन मैं आईब्रोज़ फ़िल नहीं करती थी मुझे आईब्रोज फिल करना भी नहीं आता था और मैं करती भी नहीं थी सो so, उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे कॉन्ट्यूरिंग कर रही हूँ और जो कॉन्ट्यूरिंग का जो पैलेट है वो शुगर की तरफ से है मैं यहाँ पे दिखाना भूल गई लेकिन मैं आगे आपको बताऊँगी और कॉन्ट्यूरिंग करने से आपके फेस को बहुत अच्छा कट मिलता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कई लोग इसको स्किप कर देते हैं लाइक कॉन्ट्यूरिंग करना बट नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ uh, फाउंडेशन लगाने से क्या होता है कि जो हमारे फेस का जो ओरिजिनल जो रियल कट होता है वो कहीं कही ना कहीं गायब हो जाता है तो विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें हमारे फेस का जो ओरिजिनल कट है वो वापस लेके आना है मेकअप के बाद तो अगर हम पूरा मेकअप कर देंगे और हमारा फेस एकदम गोल एग एक की तरह लग रहा है तो वो अच्छा नहीं लगेगा आपके फेस कट करना बहुत ज़रूरी है नाउ आई विल यूज़ आई शेडो पैलेट फ्रॉम एन के मेकअप दिस इज़ वेरी स्पाइसी आई शेडो पैलेट आई कैन से बिकॉज इसमें जो कलर्स है बहुत ही ब्राइटन कलर्स है लाइक डार्क रेड डार्क ग्रीन एंड ऑल्सो इट हैज़ ग्लिटर कलर जो जो आप अपने फिंगर टिप से अपने आई आई लिट पर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा आई आई शेडो पैलेट है और ये बहुत ही रिजनेबल है आई थिंक मुझे ये फाइव टू सिक्स हंड्रेड में मिला था जो मैंने एक सेल में लिया था तो बहुत अच्छा है एंड रीज़नेबल लगा मुझे Uh, यहाँ पे मैं ऑरेंजिश कलर का शेडो लगा रही हूँ विच इज़ मैचिंग विद माई ड्रेस मेरी ड्रेस भी थोड़े सा ब्रिक कलर और ऑरेंज कलर की है बहुत ही फंकी कलर है मेरे ड्रेस का कैमरे में ये उतना नहीं दिख रहा लेकिन ये बहुत ब्राइट कलर है तो इसे मैच करता हूँ शेडो अप्लाई कर रही हूँ पहले मैंने सोचा था कि मैं कुछ मिक्स एंड मैच करके आई शेडो लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं मेरा ड्रेस ही बहुत फंकी है तो इसमें अगर मैं अपना मेकअप बहुत ही सिंपल एंड सटल रखूंगी तो ये बहुत अच्छा जाएगा मेरी ड्रेस के साथ आप लोगों का क्या मानना है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए फाउंडेशन के बाद अगर टाइम लगता है बहुत ज़्यादा मेकअप करने में तो वो है आई शेडो को ब्लेंड करने में बिकॉज़ आई शेडो को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप सिंगल कलर भी लगा रहे हो तो भी आपको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है तभी वो निकल के आएगा तभी वो खूबसूरत लगेगा आपकी आइज पे अभी मैं यूज़ कर रही हूँ मे की तरफ से टैटू स्टूडियो स्मोकी आइस काजल जो कि बहुत प्यारा काजल है एकदम जेड ब्लैक काजल है जो आप, आपकी आंखों पर एक बार लगाने के बाद बिल्कुल भी स्मज नहीं होगा यहाँ पे मैं काजल को ही एज ए आई लाइनर लगा रही हूँ बिकॉज ये बहुत ही ईज़ी टू यूज़ है बिकॉज़ आप इसको एक पेन की तरह पकड़ के आप कैसे भी उसमें लाइन ड्रॉ कर सकते हो तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है और देखिए मैं इसे पतला पतला आई लगा रही हूँ जो कि बहुत खूबसूरत लगता है और आप इससे कैसे भी आईलाइनर लगा सकते हैं कोई विंग भी बना सकते हो थोड़ा थिक आईलाइनर भी कर सकते हो जैसा आपको चाहिए वैसा आप इससे डिज़ाइन बना सकते हो तो काफ़ी इजी टू यूज़ लगता है मुझे ये पेंसिल वाला जो काजल होता है ये वाला जो काजल है जो मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईज़ पे ये स्मच प्रूफ है एंड आल्सो दिस इज वाटर प्रूफ तो इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी आँखें काजल सॉरी uh, काली हो जाएगी या फिर आपका काजल आपकी आँखों से निकल के आपके गालों पे आ जाएगा सो डोंट वरी अबाउट दिस नाउ आई एम अप्लाइंग ब्लश ऑन फ्रॉम शुगर मुझे शुगर का ब्लश ऑन बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली मुझे ब्लश ऑन ही बहुत अच्छा लगता है पूरे मेकअप में बिकॉज इसके बिना मुझे मेरा मेकअप अधूरा लगता है समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे कहीं बाहर जाना होता है और मैं फाउंडेशन अप्लाई करने के मूड में बिल्कुल नहीं होती तो मैं क्या मैं क्या करती हूँ जस्ट मैं अपना क्रीम अप्लाई करती हूँ एंड उसके ऊपर अपना ब्लश ऑन एंड लाइनर लगाती हूँ एंड लिपस्टिक एंड आई एम डन सो आई एम वेरी बिग फैन ऑफ ब्लशन आफ्टर ब्लश ऑन आई एम अप्लाइंग मस्कारा फ्राम एविलीन ओके तो ये जो मस्कारा है ये भी बहुत अच्छा है वाटर प्रूफ तो है ही इसके साथ साथ ये जो आपकी आई लैशेज़ है उसको बहुत अच्छे से वॉलमलाइज करता है बहुत ही हैवी लुक देता है अगर आप इसकी टू uh, से थ्री स्ट्रोक करते हो अपने आई eye, लेशेज़ पे तो काफ़ी uh, अच्छा लुक देता है आपके मेकअप को नो uh, डाउट no कि ये फेक आई जैसा लुक तो नहीं देता बट स्टिल ये बहुत अच्छा और ड्रामेटिक आई जैसा लुक देता है तो आई लाइक दिस मस्कारा सो मच ओके सो आफ्टर कंप्लीटिंग माई फाउंडेशन बेस एंड आई बेस मैं फिक्सर uh, से अपना मेकअप uh, फिक्स करती हूँ एंड उसके बाद जो बचा हुआ जो मेरा मेकअप है लाइक लिपस्टिक एंड हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ सो मेकअप फिक्सर के बाद uh, आपका जो मेकअप है वो एकदम सटल हो जाता है एंड नाउ आई विल यूज़ लिपस्टिक फ्रॉम मेवली न्यूयॉर्क विच इज़ सीकर uh, शेड ये शेड बहुत ही न्यूट शेड है आप इसको डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं और किसी पार्टी में भी डे लाइट में भी मतलब ये जो शेड है ना आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं और हम आपकी हर ड्रेस पे जाता है ये तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट शेड है वेल आई टेक सो मच टाइम वेल आई अप्लाई लिपस्टिक बिकॉज यू कैन सी मेरे जो लिप्स हैं बहुत स्मॉल लिप्स हैं एंड आई ऑलवेज ट्राई कि मैं अपने लिप्स को थोड़ा सा बिगर दिखाने का ट्राई करूं तो मैं ऊपर से उसका अच्छे से शेप बनाने का ट्राई करती हूं जो ऊपर का जो वी है वो बनाने का ट्राई करती हूं एंड टाइम वॉट हैपन्स विद मी कि जो मेरा ऊपर का शेप है वो एक तरफ से ऊपर चला जाता है और एक तरफ से नीचे तो बहुत फ़नी हो जाता है और इसलिए मुझे उसमें भी बहुत टाइम लगता है सो so, मैं लिपस्टिक लगाते टाइम बहुत केयरफुल होती हूँ सो यू कैन सी मैं कितना केयरफुल हूँ और कितना टाइम लेती हूँ लिपस्टिक लगाने में बट आई लाइक इट लिटरली आई एम टेकिंग सो मच टाइम और मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ ओ गॉड बट आई थिंक फाइनली वो टाइम आ गया कि मेरा लिपस्टिक कंप्लीट हुआ यस फाइनली इट्स डन ओके सो नाउ आई एम यूजिंग नाइका ग्लो गोल्स शिमर ब्रिक for my eye corner uh, this is the highlighter and it has multi colors and you can use for multi purpose okay तो मैं यहाँ पर जो अपना highlighter है वो अपने eyes के corner पर लगा रही हूँ जो zero number का brush होता है जो सबसे छोटा brush होता है उससे मैं अपने eye corner पर ये highlighter लगा रही हूँ इससे मेरी eyes बहुत अच्छी लग रही है बहुत up हो रही है एंड यही हाई मैं अपने चीकस बोन पे एंड अपने नोज़ ब्रिस पे लगाऊँगी ओके सप्लाइंग हाईलाइटर ऑन माई फेस लाइक माइ ऑन नोज एंड मैची इज़ लास्ट स्टेप ऑफ माई मेकअप एंड यू कैन सी मेरा ऑलमोस्ट मेकअप हो गया है बस मुझे मेरा हेयर डो ही करना है अदरवाइज आई एम ऑल सेट टू गो सो यू कैन सी कितना सटल मेकअप हुआ है सो नाउ इट्स टाइम टू हेयर डू तो हेयर के लिए मैंने कुछ नहीं किया बस मैंने अपने हेयर ओपन किया एंड साइड से मैंने आ, पर्ल्स वाला पिन लगाया विच इज़ वेरी वेरी प्रिटी एंड मैंने अपने इयर पहन लिए विच आर सिल्वर इन कलर आई होप यू ऑल लाइक माई मेकअप एंड मैंने जो भी स्टेप्स होते हैं मेकअप के अच्छे से आप लोगों को बताए हो इफ़ यस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय बाय